तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्री माधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ एवं श्रील भक्ति रक्षक श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण में श्रद्धा पुष्पांजलि उपस्थित त्रिदेवी पादगण वैष्णव वैष्णवी सभी पवित्र तथा हरे कृष्ण। आज बहुत बहुत बढ़िया तिथि है। आज का दिन श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का आज आविर्भाव तिथि। एक गुण हो जाएगा ना वो भजन नहीं करेगा।
अगर किसको अंदर में अगर चार चार गुण आ जाए तो भजन करेगा ही नहीं, क्या तो चार गुण क्या है बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत सिद्धि रेदमान मद अपमान बोले जन्म। अगर किसकी उच्च कुल में जन्म हो गया ना बड़ा अभिमान आ जाता है, हम इतने बड़े उच्च कुल में त्रिवेदी चतुर्वेदी चाटाजी भट्टाचार्य जी इतने उच्च कुल में जन्म हुए, लेकिन श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज कौन सा जाति में जन्म ग्रहण किए, वो ब्राह्मण उच्च ब्राह्मण घर में जन्म हुए, अच्छे संभ्रांत घर में इनके जन्म हुई है, वो साधारण घर में जन्म नहीं हुए। इसलिए जन्म में उच्च कुल में जन्म लिए ऐश्वर्य, इनकी ऐश्वर्य देखो श्री भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज जी इन्होंने जो ऐश्वर्य को उन्होंने प्रकाश किया है आप अभी भी देखोगे सारा दुनिया में इनके प्रचार है, सारा दुनिया में नवद्वीप में मठ देखो कितना विशाल मठ बना है, जगन्नाथपुरी में देखो वृंदावन में देखो बहुत सारी जगह में अपना उन्होंने अपना ऐश्वर्य को उन्होंने प्रकाश किया है। जन्म ऐश्वर्य बोले श्रुत, श्रुत मतलब होता है विद्वान विद्वता, इनकी विद्वता की आप किसी को साथ में आप उदाहरण भी नहीं दे सकते हो, इनके अंदर में जो विद्वता थी अद्भुत विद्वता है, हर भाषा में बंगला हिंदी और अंग्रेजी, इसलिए भक्त बोल रहे थे जैसे हम अंग्रेजी बोलने के लिए हमको शब्द ढूंढना पड़ता है, लेकिन वे कहते शब्द उनको ढूंढते थे अंग्रेजी बोलने के लिए, उस अंग्रेजी शब्द उनको ढूंढता था, मतलब वो इतने अच्छी भाषा में इतने अच्छी अंग्रेजी भाषा में बात करते थे, जब वो अंग्रेजी भाषा में बात करते थे लगता था ये कोई अंग्रेजी है, ये कोई अंग्रेजी इतने अच्छी अंग्रेजी भाषा में वो बोलते थे। और इनका जो विद्वता है अद्भुत, इनके अंदर में विद्वता है, जिस विद्वता को देख करके प्रभुपाद भी प्रसन्न हो जाते थे, इसलिए प्रभुपाद सबको संन्यास नहीं दिया, अभी जैसे होता है ना भैया जिसको तिसको संन्यास ले लेते हैं संन्यासी, प्रभुपाद के समय में जैसे तैसे व्यक्ति को संन्यास नहीं मिलता था, जब तक कि कोई व्यक्ति संपूर्ण गौड़ीय विचार सिद्धांत में संपूर्ण अभिषिक्त नहीं हो जाए तब तक सन्यासी प्रभुपाद का सन्यासी कोई साधारण व्यक्ति सन्यासी नहीं थे, इसलिए प्रभुपाद इनको सन्यास जो दिया अद्भुत अंदर में गुण को देख करके उनको सन्यासी प्रदान किया है। इसलिए श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहते उनको पास में भी बहुत सारे अंग्रेजी लोग गए, बोले क्यों गए, स्वयं स्वामी महाराज श्री भक्ति रखकर श्रीधर गोस्वामी महाराज को भक्ति बोले, बोले अगर किसी समय कोई शुद्ध भक्त है ना ये कौन है, बोले भक्ति रखा श्रीधर गोस्वामी महाराज, इसलिए तभी उनको पास में स्वामी महाराज, तभी स्वामी महाराज अगर किसी शंका में पड़ते थे वो किसको पास में जाते थे, भक्ति रखकर श्रीधर महाराज के पास में जाते थे। इनकी जो फिलोसफी और हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और भक्ति रखकर श्रीधर गोस्वामी महाराज ये दोनों ही बड़े फिलोसफर थे, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज तो बड़े बड़े अद्भुत ज्ञानी अद्भुत विद्या और भक्ति रखकर, इसलिए इन दोनों को अंदर में ना बैठ करके शास्त्रार्थ होता था और इनके शास्त्रार्थ को सुनने के लिए जितने और जितने सन्यासी लोग और जितने प्रभुपाद के जितने गण सबके सब आकर बैठते थे। और उसी समय हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज खुद बोलते थे जब ये आपस में इनकी शास्त्रार्थ होती थी महाराज बोलते थे हंस मध्य बगज था, जैसे हंस के बीच में जैसे बगुला होता है ना, हम भी एक कोने में बैठ करके सुनते थे और इनकी जो अद्भुत जो विद्वतापूर्ण जो बात है हमारे महाराज बोलते थे नारायण गोस्वामी महाराज हमें पल्ले में नहीं पड़ता था, ये बोलते थे क्या, ये बोल रहे हैं क्या। इसलिए जिस समय सन्यास देने के लिए हम लोगों को बताया गया जब इनको सन्यास देने के लिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बोले, बोले भैया हम सन्यास लेने का अधिकारी है ही नहीं क्योंकि हमने सन्यासी देखा है प्रभुपाद के गण को हमने देखा है इनके अंदर में क्या विद्वत हमने स्वयं देखा है, इसलिए भैया आपका सन्यास लेने का लायक है नहीं। इसलिए कभी कभी हमारे महाराज कहते थे कभी ये दोनों के अंदर में एक विषय को लेकर बड़े ठंडमनी हो गई, क्या विचार उनको कोई प्रश्न कर दिया जीव का कोई एक असली स्वरूप है क्या, ना संघ को द्वारा वो स्वरूप प्रकट होता है, इसी विषय को लेकर तर्क वितर्क हो गई, जब तर्क वितर्क हो गई उसी समय में
भक्ति रखक सिद्धर गोस्वामी महाराज जी की बात बताए, लेकिन हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उन्होंने जो उन्होंने विचार दिया है अद्भुत रूप में उन्होंने विचार दिया, बोले निब्द सिद्धस्य भावस्य प्राकेतम हृदय साध्यता। उन्होंने श्री रूप गोस्वामी की शब्द को लेकर बताया, बोले निब्द सिद्धस्य भावस्य जीव का एक निब्द सिद्ध भाव ऑलरेडी विद्यमान है। तब उन्होंने उदाहरण दिए जैसे गंगा का किनारा है, आप वहां पर अलग अलग बीज को बो दो, कटहल का, नीम का, इसलिए नारियल का अलग अलग बीज को बो दो, लेकिन पानी एक ही दो, लेकिन उससे कौन सा वृक्ष निकलेगा? कटहल का बीज से नारियल का बीज नहीं, पेड़ नहीं निकलेगा। नारियल का पेड़ से उसने कटहल आम का बीज पेड़ नहीं होगा, वो जो बीज होगा ना वो वही वृक्ष ही उससे निकलेगा। उसी तरह उन्होंने उदाहरण दिया, श्री जैव धर्म में श्री बाबाजी महाराज का दो शिष्य है, लेकिन दो शिष्य जब उनसे कथा सुनते हैं, एक का तो सखी रस में प्रकट हुआ और एक का श्रृंगार रस में, बोले भैया एक ही साथ तो कथा सुना रहे थे, एक ही साथ, फिर ये दोनों की एक सखी रस में फिर एक श्रृंगार रस में क्यों हुआ? फिर तो दोनों का एक ही रस होता था, एक रस होता है ना। जैसे उसमें उदाहरण दिया श्री गोप कुमार, एक दिन माधव महाराज में श्री विष्णु बहुत अच्छी बात बता रहे थे, श्री गोप कुमार उन्होंने कामाख्या देवी से गोपाल मंत्र को प्राप्त किया, लेकिन ये गोपाल मंत्र की प्रभाव से उसने भूर भुव मोह जन तप सत्यलोक को पार करते हुए वैकुंठ लोक में भी गए, अयोध्या में गए, मथुरा में भी गए, लेकिन कहीं वो सैटिस्फाई नहीं हुए, लेकिन कब संपूर्ण उनको था आनंद मिला, उनको सौभाग्य में था सख्य रस है, वो जो मंत्र है उनको लेकर के सख्य रस तक पहुंचा दिया, उनको लेकर सख्य रस में कृष्ण से उन्होंने मिला दिया। अगर उनको नित्य शुद्ध स्वभाव अगर नहीं होता तो फिर तो वैकुंठ भी रुक जाते, नहीं तो अयोध्या के द्वारका भी रुक जाते, फिर वहां पर क्यों पहुंचे? उन्होंने पहुंच किस लिए पहुंचे? इसलिए उन्होंने जो अद्भुत अद्भुत जो विचार जन बताया करते थे, जिसको सबके सब सुनकर बैठ बैठ कर सुन करके बड़े आश्चर्य होते थे, इसलिए इनके अंदर में जो विद्वता है अद्भुत रूप में इनकी विद्वता है। इसलिए अभी अभी श्री बन महाराज बोल रहे थे ना, इसलिए इन्होंने जो सवेरे जो हम लोग प्रभुपाद का जो क्या बोलते हैं दशकम हम गाते हैं रोज हर गौड़ीय मठ में, जैसे जनगण मन अधिनायक जय है, जैसे ये जैसे सारा भारत इसको गाता है, सारे गौड़ीय मठ में ये भजन को सबके सब सारे गौड़ीय मठ में गाते हैं। इसलिए जब ये कोई श्लोकों को लिखते थे, लिख करके प्रभुपाद को दिखाते थे, प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होते, बड़े खुश होते थे इनकी स्तुतियों को सुनकर। क्यों? श्लोक लिखना इतना आसानी बात नहीं, उसको अगर बहुत कुछ विवेचना करना पड़ता है। जैसे केशव का आशीर्वाद एक श्लोक बोले महाप्रभु कितना उन्होंने दोष दिखा दिया, कितने दोष दिखा दिया, एक श्लोक रचना करना इतने आसानी बात नहीं, लेकिन इनका जो श्लोक है अद्भुत श्लोक, केवल ऐसे श्लोक नहीं, देखो जैसे जैसे सुजनार बोधराधित पाद युग क्या होगा, देखो क्या होगा है सुजनार बोधरा क्या देना चाहते थे जो श्लोक में ना लास्ट जो श्लोक में क्या कहते हैं वृषभानो सुता दई तानो चरम चरना श्रीता रास्ता महा
पास में प्रकाशित हुई है। एक जो साधारण व्यक्ति उनको पास में क्या प्रकाशित हुई है, बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती। दूसरे सरस्वती भक्ति सिद्धांत में ये सरस्वती रूप में प्रकाशित हुई। लेकिन जब उनका निजजन है, उनका जो अंतरंग भक्त के पास में वृषभान सुता दहिता चरम, उनको पास में श्री राधा रानी की परिकर रूप में वहां प्रकटित हुई। अद्भुत रूप में प्रभुपाद उन्होंने अद्भुत रूप में उन्होंने वर्णना किया है। और ये जो ग्रंथ है देखो, ये प्रेम धाम देव स्तोत्र ग्रंथ, इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन दास ठाकुर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु का लीला को तो उन्होंने वर्णना किया है। लेकिन इन्होंने इसी ग्रंथ में महाप्रभु कौन है, जगत में आए क्यों, जगत में उन्होंने क्या जगत को उन्होंने प्रदान किया है, इन्होंने ये ग्रंथ को जो अद्भुत रूप में जो ग्रंथ वर्णना किया है, अद्भुत रूप में ये ग्रंथ वर्णना किया है। देखो इसका श्लोक पढ़ो, कैसे उसमें छंद और उसमें कैसे अलंकार, अलंकार छंद, लेकिन उसको साथ में उन्होंने जो सिद्धांत महाप्रभु का फिलोसफी बताया। देखो क्या बोलते हैं, बोले देव सिद्ध मुक्त युक्त भक्त वृंद वंदितम पाप ताप दाप दाप तत्त गुरु खंडितम कृष्ण नाम सिद्ध धाम खंड धार सागरम देव धाम देव मेव नौमि गौर सुंदरम स्वर्ण कोटि दर्पणाम देय वर्ण सौरभम पद्म पारिजात गंध वंदिताल सौरभम कोटि काम सांग दीप वास दान महाप्रभु को जगत में क्यों आए और जगत में उन्होंने किया दिया, इसलिए कहते हैं स्वर्ण कोटि दर्पण आम देह वर्ण गौरवम पद्म पारिजात महाप्रभु का शरीर में कहते हैं नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी, भगवान के सारे अंग पंकज मतलब पद्म के साथ में महाप्रभु का शरीर से जो सुगंध थी अद्भुत रूप में पद्म फूल की सुगंध निकलती थी, सुंदर कितने बोले कोटि काम मूर्छितांग रूप रास रंग केवल हैं केवल श्री कृष्ण की एक भ्रुकुट से अगर काम देव अगर मोहित हो सकते हैं, यहाँ पर तो राधा कृष्ण दोनों मिल करके एक स्वरूप श्री सचिनंदन गौरवी फिर वो कितने सुंदर नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने श्लोक को साथ में संपूर्ण महाप्रभु की संपूर्ण फिलोसफी को उसने भर दिया इसमें। इसलिए मतलब जो ज्ञान है ना अद्भुत ज्ञान, एक एक विशेषते जिसको भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज कहते हैं, नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे देखो जैसे हम लोग जो हमारी जो मंत्र जब करते हैं ना, जो पहला मंत्र है ब्रह्म गायत्री जिसको ओम भूर भुव स्व जिस भज गाते हैं, लेकिन जगत का जो साधारण लोग है ये मंत्र को क्या समझते हैं, ये मंत्र किसका उपासना, गत सबितुर वरण्यम, गति ये सबितुर मतलब सूर्य देवता को ये उपासना करते हैं, सूर्य देवता को मानते हैं, भूर भुव हम तो पूजा करने वाले श्री कृष्ण ज्वल सरकार की, पर ये सूर्य देवता को क्यों पूजा करके हम,
लेकिन गुरुदेव कहते जब श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज का उन्होंने कहा ये मंत्र की व्याख्या को महाराज सुने, बोले मैं इतने प्रसन्न हो गया। इतने प्रसन्न क्यों? वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। देखो उन्होंने क्या अर्थ लगाया, बोले भर्गो देवस्य धीमहि, बोले हम किसको ध्यान करते हैं, बोले भर्गो देवस्य, बोले देवस्य भर्गो, देव यहाँ पर कौन है, बोले कृष्ण देव, देव कृष्ण, उनकी जो भर्ग, भर्ग मतलब उनका तेज, बोले कृष्ण का तेज कौन है, बोले श्री किशोर जी, श्री राधा रानी, बोले धीमहि, हम किसको ध्यान करते हैं, कृष्ण को भी जो तेज रूप में प्रकाश करने वाले श्री राधा रानी को हम ध्यान करते हैं। ये प्रचोदयात को हमारे हृदय में पूर्ण रूप में हमारे हृदय में प्रकटित हो, कौन प्रकटित हो, बोले श्री किशोर जी, श्री राधा रानी। इसलिए गुरुदेव कहते जब मैंने इस पढ़ा ना इतने प्रसन्न, इतने मैंने प्रसन्न हो गया, बोले क्या उन्होंने दिव्या समझाए। इसलिए इनकी विवेचना अद्भुत रूप में महाप्रभु का जो फिलोसॉफी के ऊपर भी वो जो इनकी जो प्रवचन है, बड़े बड़े विद्वान लोग भी सुन सुन करके इनके प्रवचन को मुक्त मुक्त रह जाते थे। इसलिए जन्म ऐश्वर्य श्रुत और स्त्री, स्त्री मतलब सुंदरता, वो देखने भी बड़े लंबे चौड़े बड़े सुंदरता ही होते। इसलिए इनकी तो बहुत सारी कथा जो गुरु जी से अपने सुना और महाराज से सुना, बहुत सारी कथा है, लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए हम यहीं पर इसको मैं वक्तव्य विश्राम देता हूँ। वे हम सबको ऊपर में कृपा करें, हैं तो सब हमारे ऊपर में कृपा करें, जैसे उन्होंने जैसे प्रभुपाद की सेवा की और प्रभुपाद का जो मनोभीष्ट को उन्होंने जिस रूप में उन्होंने स्थापन किया है और प्रभुपाद की सेवा किए, हम भी कभी ना कभी उनके अनुसरण करते हुए हम भी कभी ना कभी गुरु वैष्णव जी से सेवा कर पाए, हम यही उनके चरण में प्रार्थना करता है करता हूँ और सभी को ऊपर आशीर्वाद करें। बोले बच्चा करो बदमेश्वर भगवान सब करो सब पतिता ना